प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू आवर चैनल फंडा फाइव। आई एम पूनम गुप्ता और आज हम करेंगे क्विक रिवीजन फ्रॉम द चैप्टर टू लॉस्ट स्प्रिंग। और आज की वीडियो क्लास 12th के बच्चों के लिए है। फ्लेमिंगो बुक से चैप्टर टू है आपका लॉस्ट स्प्रिंग। प्यारे बच्चों, इस चैप्टर को हम दो पार्ट में करेंगे। पार्ट वन, एक्चुअली लॉस्ट स्प्रिंग दो बच्चों की कहानी है जिसमें दो बच्चों के बारे में बताया है कि कैसे वो गरीब हैं बच्चे और उनको कितनी मेहनत करनी पड़ती है अपना खाना और घर जोड़ने के लिए। तो पार्ट वन में हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे बेटा, जो कि आपके लेटेस्ट पेपर में, जो इस बार 2021 में आने वाला है, उसमें आ सकते हैं ये क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन आपको करीब 5 से 10 नंबर स्कोर कराएंगे एग्जाम में, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3 जो है हमारा आरटीसी आता है, जिसमें ऐसे ऐसे छोटे क्वेश्चंस आते हैं और उनके आंसर नीचे चार चार दिए होते हैं, सही आंसर को आपको टिक करना होता है। ठीक है बच्चे, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, 10 आता है आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आते हैं, ऊपर ऐसे क्वेश्चन दिया होता है और आपको इसको 20 to 30 वर्ड्स में आंसर करना होता है। ऐसे ही एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है आपका, जो कि 5 नंबर का होता है बेटा। इन सबको अगर आप मिला करके लिख देंगे, क्वेश्चन को पढ़ के उसकी जरूरत को समझ करके आंसर लिख देंगे, तो आपको 5 में से 3-4 बहुत आसानी से मिल सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करना। तो पहला क्वेश्चन, जैसे कि नाम से ही है, जस्टिफाई द टाइटल ऑफ द लेसन लॉस्ट स्प्रिंग। लॉस्ट स्प्रिंग से आप क्या समझते हैं? तो लॉस्ट स्प्रिंग, स्प्रिंग जो होता है बेटा, ये सबसे बेस्ट मौसम होता है, पसंद का मौसम जो होता है, जो फरवरी के बाद आता है, जब पत्ते हरे हरे हो जाते हैं, चारों तरफ फल फूल हो जाते हैं, फूल बहुत सारे खिल जाते हैं, देखने में बहुत अच्छा लगता है, गर्मी भी नहीं होती ज्यादा, ठंड भी नहीं होती, तो इसको हम बेस्ट मौसम बोलते हैं स्प्रिंग को। तो ऐसे ही जो हमारे जीवन का जो सबसे अच्छा फेस है वो बचपन है, बचपन को हम स्प्रिंग से कंपेयर करते हैं। तो इस चैप्टर में हम ऐसे बच्चों की कहानी डिस्कस कर रहे हैं जिनका अच्छा बचपन खो गया है, लॉस्ट हो गया है उनका बचपन। कैसे? कि वो दिन रात मेहनत करते हैं, गलियों में रोमिंग करते हैं, तब कुछ कूड़े में से अपना खाने पीने का सामान ढूंढते हैं और अपनी जीविका चलाते हैं या अपने घर में बड़ों की हेल्प करते हैं। तो इस चैप्टर का नाम दिया है लॉस्ट स्प्रिंग। ऐसे दो बच्चों की कहानी, एक का नाम साहिब आलम है और दूसरे का नाम मुकेश। आज हम साहिब आलम के बारे में सीखेंगे कि कैसे उसका बचपन, कैसे उसका स्प्रिंग जो है वो लॉस्ट हो गया। ठीक है, बचपन उसका जैसे कहीं खो गया। अब दूसरा क्वेश्चन आता है, उस बच्चे का नाम था साहिब आलम। तो हु वाज साहिब आलम? तो बच्चों, साहिब आलम एक रैग पिकर है और कहाँ रहता है वो? सीमापुर। ठीक है, तो व्हाट इज द आयरनी, नेक्स्ट टू द क्वेश्चन, व्हाट इज द आयरनी इन द नेम साहिब आलम? क्या आयरनी है? क्योंकि साहिब, साहिब किसको कहते हैं? जो बड़े पद पे बैठा हो। साहिब आलम जो पूरी यूनिवर्स का मालिक हो, ऐसा बच्चा जिसका नाम साहिब आलम है और वो काम क्या कर रहा है? रैग पिकर। ठीक है, स्क्राउंजिंग कर रहा है गार्बेज में से, अपने डेली ब्रेड ढूंढ रहा है उसमें से। तो ये एक आयरनी है, ये एक व्यंग है उस बच्चे के नाम को लेकर के, समझ गए? इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई हैव रैग पिकर्स सेटल्ड इन सीमापुरी? बहुत बड़ी बात है कि ये रैग पिकर्स सीमापुरी में आए कहां से और क्यों आए, कैसे आए? तो बेटा, ये ढाका में रहते थे, वहां पर एक नेचुरल आपदा आई, नेचुरल फ्यूरी आई, बहुत सारा स्ट्रॉम आया, बाढ़ आ गई और उनके घर बाग बगीचों को सबको पानी के साथ बहा के ले गई और वहां पर उनके लिए ना तो घर रहने की छत बची और ना ही उनको खाने के लिए एक अन्न का दाना। तो ऐसे में वो दिल्ली में आए और दिल्ली के किनारे आउटस्कर्ट पर, दिल्ली की पेरिफेरी पर, जहां उनको जगह मिली वहां पर वो रुक गए। दिस इज द आंसर, व्हाई हैव रैग पिकर्स सेटल्ड इन सीमापुरी। अब सीमापुरी में करीब 10,000 रैग पिकर्स हैं जो वहां रह करके अपनी जीविका चला रहे हैं। फूड इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन आइडेंटिटी। हालांकि वो सीमापुरी में बस गए, उनके पास कोई आइडेंटिटी नहीं है, लेकिन क्या कहते हैं इस चैप्टर में कि पहले जीने के लिए क्या जरूरी है? खाना। खाना मिलेगा तभी तो हम जिंदा रहेंगे, अगर हम जिंदा हैं तभी तो हमारी कोई आइडेंटिटी बनेगी। तो फूड इज मोर इम्पोर्टेंट। आइडेंटिटी नहीं है तो भी उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ पर कम से कम उनको किसी तरह से एक वक्त की रोटी तो मिल जाती है। गार्बेज, नेक्स्ट क्वेश्चन, गार्बेज टू देम इज गोल्ड। यस, कूड़ा गोल्ड कैसे हो सकता है?
बट उनके लिए है, क्योंकि जब वो स्क्राउजिंग करते हैं तो कूड़े में अगर उन्हें एक कॉइन भी मिल जाता है तो वो उससे अपनी कोई चीज खरीद लेते हैं, वो उनके लिए गोल्ड के सामान है। कभी कोई खाने का सामान या कभी कोई लोहा बेकार सामान जिसे बेच के वो अपने लिए खाना खरीद सकते हैं, छत बना सकते हैं, हर मौसम से अपना बचाव कर सकते हैं। ठीक है बेटा, इस साल हैप्पी बर्थडे एट द टी स्टोर एक्सपेन, ये सारे आंसर्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख करके डाल दिए हैं, वहां से आप डिटेल देख सकते हो, नोट कर सकते हो। इन क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आंसर वहां से नोट कर लीजिए और इनको बार बार लिखिए और रिवाइज कीजिए। ठीक है, आपके नंबर करीब 80 में से मोर देन 70 बड़ी आसानी से आ जाएंगे। ठीक है, इस साइड हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल, बेटा जब हम क्वेश्चन पूछते हैं इससे तो आंसर ही आधे से एक नंबर का होता है, तो आपको सिर्फ लिखना है येस और नो, साहेब हैप्पी था नहीं तो क्या लिखेंगे, नो। अगर आपने नो लिख दिया आपको हाफ और एक मार्क बड़ी आसानी से मिल जाएगा। अब हमें बताना है अगर हैप्पी नहीं था तो क्यों नहीं था, तो अपना मास्टर नहीं था, किस पर डिपेंड करता था वो, किस पर, मास्टर पर। ठीक, उसकी जो खाना था उसका जो मालिक था उसको 800 रुपीज देता था और दो टाइम का मील देता था, वो अपनी मर्जी से कोई भी काम नहीं कर सकता, तो इसलिए साहेब हैप्पी नहीं था। उसके ऊपर वो जो कैनेस्टर था ना, जो टी का कैनेस्टर था, उसका वजन था। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द लिविंग कंडीशन इन सीमापुरी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, अगर ये क्वेश्चन आता है तो 5 नंबर में आएगा, हालांकि जब लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो उसमें च्वाइस होती है, कोई भी एक आपको करना होता है। तो लिविंग कंडीशन कैसी थी, बहुत ही पुअर थी, कहाँ पर रहते थे सबसे पहले हम इसमें लिख सकते हैं, दिल्ली में सीमापुरी, सीमापुरी कहाँ थी, ऑन द पेरिफेरी ऑफ दिल्ली, कितने रेंटमेकर्स रहते थे, 10,000 रेंटमेकर्स रहते थे, और वो कैसे अपना फूड जोड़ते थे, क्या करते थे, वो रैक पिकिंग करते थे, कूड़ा बीनते थे, और उनके घर कैसे थे, किसके बने हुए थे, उनके घर किसके बने हुए थे, मेड अप ऑफ मड, ठीक है, या फिर प्लास्टिक शीट उनके ऊपर डली हुई थी, कभी कभी बारिश होती थी तो उनसे पानी उनके घर में आ जाता था, कभी सड़क से पानी आ जाता था, तो उनकी कंडीशंस कैसी थी, बहुत ही पुअर, उनके पास बेसिक एमिनिटीज भी नहीं थी जो हमें जरूरी चाहिए, पानी की सुविधा नहीं थी, नालियों की सुविधा नहीं थी, तो इस तरह से सीमापुरी की कंडीशन बहुत ही पुअर थी। तो प्यारे बच्चों, ये थी आज हमने चैप्टर डिस्कस किया लॉस्ट स्प्रिंग, ध्यान से पढ़िए, मन से पढ़िए, डेली पढ़िए, और ध्यान रहे कि आपको सबसे पहले क्वेश्चन सीखना है, इसके कीवर्ड लर्न करने हैं, फिर उनके स्पेलिंग्स लर्न करने हैं, और फिर पूरे क्वेश्चन को कम से कम 3 बार लिखना है, 3 बार पढ़े, 1 बार लिखे, ऐसा जब आप 3-4 बार कर लेंगे तो ये क्वेश्चन आपको बहुत आसानी से आ जाएंगे। तो ठीक है बेटा, वीडियो आई थिंक आपको अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, थैंक यू।